रश्मि देसाई और क्राइम पेट्रोल के जुर्म के खिलाफ इस युद्ध में आपका स्वागत है। जुर्म के खिलाफ इस युद्ध में क्राइम पेट्रोल और पुलिस के साथ साथ हम सबको भी लड़ना होगा और देना होगा जुर्म को अपना मुंह तोड़ जवाब। मुंबई की लोकल ट्रेन सर्विस, दुनिया का सबसे बड़ा शहरी रेल नेटवर्क, हर दिन लगभग 183 ट्रेन 2624 फेरे लगाती है और लगभग 60 लाख लोग रोजाना इससे सफर करते हैं। सालों से एक ही ट्रेन में एक ही डिब्बे में सफर करने वाले यात्रियों का एक परिवार सा बन जाता है, पर हमेशा नहीं। मुंबई की लाइफलाइन कहलाने वाली लोकल ट्रेन में कभी कभी लाइफ बड़ी सस्ती हो जाती है। हाल ही में मुंबई के कल्याण रेलवे ट्रैक पर एक नौजवान का शव बरामद हुआ। इस शव के पीछे बहुत ही बड़ा संगीन अपराध था और पुलिस ने छेड़ा इस जुर्म के खिलाफ युद्ध। कसारा से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई की तरफ जाती हुई फास्ट लोकल ट्रेन। सुबह करीब 7:45 पर एक नौजवान लड़का इस ट्रेन से नीचे गिर गया। उसी वक्त नासिक से मुंबई की तरफ जाती हुई तपोवन एक्सप्रेस दूसरी पटरी से गुजर रही थी। तपोवन एक्सप्रेस के चालक ने तुरंत कल्याण स्टेशन की रेलवे पुलिस को खबर दी। वो लड़का मर चुका था। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि एक अनजान युवक चलती ट्रेन से फिसल कर रेल की पटरी पर गिर गया होगा, पर शव मिलने के आधे घंटे में एक और युवक घटनास्थल पर पहुंचा और उसने उस शव को पहचान लिया। संजय पिंपलेकर नामक एक नौजवान घबराहट में बेसुध सा उस जगह पहुंचा जहां लाश पड़ी हुई थी। ओ भाई, कौन है तू? संजय ने पुलिस को बताया कि मृतक उसका साला था और उसका नाम सागर था। चलो ये बॉडी उठाओ, जल्दी करो, चलो लेटा दो स्ट्रेचर पे, उठाओ धीरे से संभाल के। संजय और उनके साले सागर कसारा सीएसटी लोकल रेलवे ट्रेन से सफर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सागर लोकल ट्रेन से क्यों, कब और कैसे गिरा। संजय ने पुलिस को बताया कि सागर चलती ट्रेन से गिरा नहीं था बल्कि उसकी हत्या की गई थी। संजय पिंपलेकर के अनुसार सागर को चलती ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंका गया था। इस चौंकाने वाले हादसे का बीज एक दिन पहले ही बो दिया गया था जब सागर और संजय ने कसारा स्टेशन से एक लोकल पकड़ी। खड़ावली स्टेशन से एक नौजवान ट्रेन में चढ़ा। ये नौजवान इस लोकल ट्रेन में हर रोज सफर करता था और वो हर रोज एक खास सीट पर ही बैठता था, लेकिन उस दिन सागर और संजय उस सीट पर बैठे थे जिसे वो नौजवान अपनी निजी संपत्ति समझता था। और मैं यहाँ पहले से बैठा हूँ। रूट बोला ना तेरे को। उसने सागर को सीट खाली करने के लिए कहा, लेकिन सागर ने उठने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उससे पहले ट्रेन में चढ़ा था और इसलिए वो सीट कायदे से उसकी थी। सागर और उस नौजवान के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। रूट बोला ना तेरे को। ये हाथ लगाता है साले, हाथ लगाता है, उठ नहीं तो मारूंगा एक साले, हाथ छुटाता है मेरे पे, छोड़ूंगा नहीं तेरे को, गाली दे तू साले, हाथ जगह अपने बाप के है क्या। उनका झगड़ा मारपीट में बदलने ही वाला था।
कि एक साथी मुसाफिर ने बीच में आते हुए दोनों को समझाया और शांत किया। बताता हूँ तेरे को, रुक, हीरो बनता है साला, छोड़ेगा नहीं। उस नौजवान ने सागर और संजय को बदला लेने की धमकी दी और नीचे उतर गया। तुम्हें हाँ देखा तेरे जैसे, बताऊंगा तेरे को। संजय और सागर को लगा था कि ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। ये दोनों गरीब मजदूर थे जो अपनी जीवनी कमाने रोज कसारा से थाने आते थे। वे तो इस छोटी सी लड़ाई को कहा सुनी समझकर भुला चुके थे, लेकिन वो लड़ाकू युवक आग बबूला हो चुका था। हाय कपिल, कपिल अपना लफड़ा हो गया जरा ट्रेन में। किससे? वो नौजवान बदला लेना चाहता था। उस लड़के के अहम यानी ईगो को ठेस पहुंची थी। कहाँ पे वो लफड़ा? ट्रेन में हुआ यार, लोकल ट्रेन में। कितने जन थे? दो लोग थे यार वो लोग। देखो प्रॉब्लम वालों में दोनों अपने को कहाँ मिलेंगे? ट्रेन के अंदर मिलने वाले लोग टाइम पे। कॉलोनी में मिलेंगे। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बदला लेने की योजना बनाई। अगले दिन संजय और सागर एक बार फिर काम पर जाने के लिए उसी लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे। और वो नौजवान खड़ावली स्टेशन पर अपने साथियों के साथ उसी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन खड़ावली स्टेशन पहुंची। सागर और संजय उसी लोकल ट्रेन के एक डिब्बे में थे। उन्होंने सागर और संजय को ट्रेन के अंदर ढूंढना शुरू किया। वो लड़का अपने गैंग के साथ उस ट्रेन में चढ़ा। उस लड़ाकू युवक और उसके दोस्तों ने आखिरकार संजय और सागर को ट्रेन में ढूंढ ही लिया। आखिरकार उस लड़के की नजर सागर पर पड़ी और पूरा गैंग सागर और संजय पर टूट पड़ा। बहुत दादागिरी दिखा रहा था। गैंग के कुछ लोग सागर को बुरी तरह से पीटते हुए घसीट कर डिब्बे के दरवाजे तक ले आए। और बाकी के लोग डिब्बे के अंदर संजय को बुरी तरह से पीट रहे थे। अपनी योजना को अंजाम देने के बाद वो लड़का टिटवाला स्टेशन पर उतर गया। संजय इस बात से बेखबर था कि उसके साले सागर को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। संजय ने उस ट्रेन के अंदर हर जगह ढूंढा। उसने ट्रेन में बैठे हर व्यक्ति से सागर के बारे में पूछा। लगातार ढूंढने के बावजूद भी संजय को अपने साले सागर के बारे में कुछ पता नहीं चला। जैसे ही संजय की ट्रेन थाने स्टेशन पहुंची, एक सवारी ने उसे बताया कि उसने सागर को ट्रेन से बाहर गिरते हुए देखा था। ये जानकर संजय सन रह गया। लाखों लोग मुंबई में रोज लोकल ट्रेन से सफर करते हैं, पर सागर को ट्रेन से गिरते देखकर किसी ने भी चेन खींचकर ट्रेन को नहीं रोका।
सागर के जीजा संजय थाना पहुंचने तक इस बात से बेखबर थे कि उनका साला अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो एक लावारिस लाश बनकर रेलवे ट्रैक पर पड़ा था। संजय वापस टिटवाला गया जहां पर वो लड़का अपने गैंग के साथ उतरा था। टिटवाला से थोड़ी दूरी पर संजय ने रेलवे ट्रैक पर कुछ लोगों की भीड़ देखी। वहां पुलिस भी थी और ठीक बीचों बीच एक लाश पड़ी हुई थी। क्या नाम है उसका बता सकता है क्या? एक लड़के का नाम सुना था मैंने, कपिल। कपिल? हाँ। कपिल नाम। कैसा दिखता है? वो 6-6.5 फुट की लंबाई का। लंबाई 6-6.5 फुट। काला हाँ। काला फिटिंग टी-शर्ट पहना था उसने। कपिल को देखेगा तो पहचान लेगा ना? हाँ साहब पहचान लेगा। पक्का? हाँ पक्का। हाँ हाँ। रेलवे पुलिस के पास सिर्फ एक सुराग था और वो था हमलावर का नाम। अब एक सुराग के बल पर पुलिस ने इस हिंसक जुर्म के खिलाफ छेड़ी एक मुहिम। इतने सारे लोगों में से आरोपियों के उस गैंग को ढूंढना था। काम मुश्किल था लेकिन पुलिस के लिए नहीं। केस को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने अपनी एक योजना बनाई। पुलिस तुरंत अपनी योजना को अंजाम देने में जुट गई। कुछ पुलिस वाले सादे कपड़ों में आम जनता के साथ घुल मिल गए। पुलिस की एक और टीम संजय के साथ निकली। आजा। पुलिस की एक टीम ने संजय के साथ कसारा से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक सफर किया। आरोपी हर रोज एक नियमित समय पर लोकल ट्रेन में सफर करते थे। संजय आरोपियों को पहचान सकता था और इसलिए पुलिस ने भी अपनी योजना के पहले चरण में आरोपियों के उस गैंग को लोकल ट्रेन में ही दबोचने की कोशिश की। तुम रोज इसी ट्रेन में आते हो? आप ट्रेन में रोज आते हैं क्या? नहीं। कल ट्रेन में कुछ लफड़ा हुआ था क्या? मालूम नहीं। अरे कल लफड़ा हुआ था क्या ट्रेन में? पुलिस को विश्वास था कि हर रोज के मुसाफिरों में इस घटना की चर्चा होती ही होगी और इससे उन्हें आरोपियों तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई सुराग जरूर मिल सकता था। संजय के साथ सफर कर रही टीम ने अपनी छानबीन जारी रखी। ये देखो इधर है क्या? नहीं नहीं इधर नहीं। वहां देखो, वहां देखो तो इधर है क्या? उधर। एक ट्रेन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, पुलिस का आरोपियों के गैंग तक पहुंचने का सफर जारी था। दिन से रात हो गई लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। वो उसी रूट पर सफर करती रही इस विश्वास के साथ कि आरोपी ना सही पर कोई सुराग तो जरूर मिल सकता था। पुलिस की मेहनत का फल मीठा साबित हुआ। हजारों यात्रियों में आखिरकार एक ने इस हादसे की बात छेड़ी। कुछ पता चला क्या? कुछ पता चला क्या? इधर दो लड़के बात कर रहे हैं तुम पर। हाँ। चल सुनते हैं। वो साला कपिल बॉडी बिल्डर को लेके आया और सब लोग उस बेचारे पे टूट पड़े। हर रोज का लफड़ा है यार। सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी उन दो आदमियों से घुल मिल गए। उसको भी क्या चर्बी चढ़ी है, सीट दे देना था ना यार। उसको क्या मालूम होगा कि ये लोग अगले दिन उसकी आके वार्ड लगाएंगे। आपस में बातचीत चल रही है। हाँ दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मैं इन्फॉर्म करता हूँ आपको। कल्याण रेलवे स्टेशन पर PSI सुरेश पेडनेकर को ये ताजा जानकारी दी गई। ओके ओके ओके। अरे क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था दो गुटों में। नहीं हुआ क्या था? अरे वो कपिल नाम का बंदा अपने साथियों के साथ दो लड़कों को बहुत पीटा। मैंने इतना देखा कि उन लोगों ने एक लड़के को फिर बाहर फेंक दिया। अब सुन, हम लोग पुलिस वाले हैं, ये सारी बातें हमारे साहब को बताना। एकदम डरना नहीं है, ठीक है? कुछ नहीं होगा तेरे को। हा? ये नौजवान था उस हादसे का चश्मदीद गवाह। क्या पुलिस असली मुजरिम तक पहुंच पाएगी? देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। पुलिस
उस नौजवान को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर आई। वो नौजवान पुलिस द्वारा इस तरह पूछताछ किए जाने से काफी सहम गया था। मुझे मालूम नहीं सर। तुमने जो कुछ देखा है, जो कुछ सुना है, वो बताओ। कोई नहीं, इधर कोई है क्या? कोई नहीं। तो क्या बातचीत हो रही थी हमारे बारे में? सर, मैंने ट्रेन में देखा एक कपिल नाम का लड़का था। तो दो लोगों के साथ झगड़े हुए थे। मारे साले को, छोड़ना मत। अरे क्यों मार रहा है मुझे? वो नौजवान उस दिन हुए झगड़े का चश्मदीद गवाह था और सागर पर हमला करने वालों को भी अच्छी तरह से जानता था। तू पहचानेगा उसको? देखा तो। हाँ, पहचान। वो कपिल को भी जानता था। तो ये पता चला कि कपिल नाम का जो आदमी है वो वेल बिल्ट है और अच्छी बॉडी बिल्डर टाइप का दिखता है। ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये किसी न किसी व्यायामशाला या जिम में से रिलेटेड लोग हों। जितने भी जिम थे उनको हम लोगों ने फिर इन्वेस्टिगेट किया। पुलिस ने खड़ावली इलाके के सारे जिम छान मारे। अरे, ये कपिल नाम का लड़का जिम में आता है क्या? नहीं। आखिरकार उनमें से एक जिम में पुलिस को कपिल नाम के उस नौजवान के बारे में जानकारी मिली। अपने पास कपिल का पता होने के बावजूद पुलिस ने ये तय किया कि वो कपिल और उसके दोस्तों को एक साथ गिरफ्तार करेगी। पुलिस के पास अब कपिल के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। वो जानते थे कि कपिल और उसके दोस्त डेली पैसेंजर्स थे, जो खड़वली से सीएसटी जाने के लिए रोज एक खास ट्रेन पकड़ते थे। पुलिस का प्लान था कि इस सारे ग्रुप को एक साथ हिरासत में लिया जाए। किसी एक को अकेले पकड़ने में ये रिस्क था कि कहीं खबर मिलने पर बाकी सब फरार न हो जाएं। खड़वली रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे नजर रखी जा रही थी और पुलिस की योजना सफल हुई। उन्हें खबर मिली कि कपिल और उसके दोस्त स्टेशन पर है। जुर्म के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पुलिस की योजना सफल हुई। उन्हें खबर मिली कि कपिल और उसके दोस्त स्टेशन पर हैं। और पुलिस ने सागर की हत्या के आरोपियों को धर दबोचा। कपिल। काहे के लिए पकड़ा पुलिस ने तेरे को? ट्रेन के अंदर मारा मरी किया बोलते। हाँ। मैं नहीं किया सर। कौन किया? अविनाश किया सर। कौन है यार? क्या नाम रे? अविनाश। नाम क्या है? अविनाश सर। जो मारपीट हो गई वो? मारपीट नहीं हुई सर, वो मैं बैठा था, उसने मेरे मारा मुझे तो मेरा चश्मा टूट गया सर, इसलिए मैं गुस्से में आ गया सर। अपने दोस्तों को मैंने बोला। किसको किसको लेके गया? तेरे साथ कौन कौन थे मारा मारी में? कपिल। हाँ। नारायण। हाँ। और गणेश। गणेश, गणेश कौन है बताओ? गणेश। नारायण। ये गणेश। हाँ। ये नारायण। तू अविनाश। अरे कपिल। बराबर। हाँ। लॉकअप में डाल। संजय और सागर दोनों नासिक के रहने वाले थे और कसारा में वो दोनों एक किराए के मकान में रहते थे। संजय अपने साले सागर के साथ काम के सिलसिले में हर रोज थाने आता था। वो दोनों दिहाड़ी मजदूर थे। सागर की मौत के बाद संजय अब वापस नासिक लौट चुका है। खचाखच भरी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सीट हासिल करने के लिए रोज झगड़े होते हैं।
और रोज की इन लड़ाइयों की वजह से हुई ये कोई पहली हत्या नहीं थी। मुंबई के लोकल ट्रेनों में गुंडागर्दी और मारपीट के किस्से दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लोकल ट्रेनों में किसी भी व्यक्ति का किसी भी सीट पर कोई अधिकार नहीं होता और यदि कोई व्यक्ति धौंस जमाकर उन सीट्स पर कब्जा करता है तो ये कानूनन जुर्म। ऐसी दादागिरी और ऐसे आपराधिक गुटों को नजरअंदाज ना करें, हिंसा और अन्याय होते ही तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करें। रेलवे पुलिस ने एक्सीडेंट केसेस और अपराधी तत्वों से निपटने के लिए एक खास हेल्पलाइन शुरू की है। नंबर है 9833331111 9833331111। पुलिस जनता से सतर्कता और सहयोग की अपेक्षा रखती है, तभी जाकर सफल होगा हमारा जुर्म के खिलाफ युद्ध।